गाइस मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो बच्चों आज की क्लास में हम एक न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। यह न्यूज़ देवी अहिल्या कॉलेज की साइट से रिलीज़ की गई है, परंतु ऑथराइज लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए दैनिक भास्कर व अन्य समाचार पत्रों में यह प्रकाशित की गई है कि किस प्रकार से नए एजुकेशन सिस्टम से बच्चों का रिजल्ट किया जाएगा और कितने बच्चों को कितने विषय में सप्लीमेंट्री मिलेगी और कितने विषय में सप्लीमेंट्री ना कर उन्हें सीधा फेल मान लिया जाएगा, आदि विषयों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। बच्चों नई एजुकेशन पॉलिसी के रिजल्ट सिस्टम में एक अहम बदलाव हुआ है। अब BA, BCom, BBA, BCA और BA SSC फर्स्ट ईयर के छात्र 9 में से 4 विषयों में फेल भी हो गए तो उन्हें फेल नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा के जरिए पास होने का एक और मौका मिल सकेगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि अपने जो नई एजुकेशन सिस्टम से पेपर दिए उसमें 9 में से 4 विषयों में फेल हो जाते तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मौका मिल जाएगा उसकी प्रिपरेशन करने का और उसको एग्ज़ाम देने का, परंतु अगर 4 से ज़्यादा विषयों में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको उसी कक्षा में रहकर वो कक्षा दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और प्राइवेट दोनों तरह के छात्रों पर यह नया सिस्टम लागू होगा। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के दायरे में आने वाले 200 कॉलेज के 81,000 छात्राओं को इसे सीधा फ़ायदा मिलेगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि रेगुलर और नॉन कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट उन सभी कॉलेजों के लिए एप्लीकेबल होगा, साथ ही जिन्होंने इसी ईयर में बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनको सीधा प्रॉफिट देखने को मिलेगा या फिर हम कह सकते हैं अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, नई पॉलिसी के तहत हुई पहली परीक्षा के रिजल्ट 10 दिन बाद आने शुरू हो जाएंगे। कहता है कि इस बार 200 UGC कोर्स के फर्स्ट ईयर में 9-9 विषयों की परीक्षा हुई है। अब इनमें से जो छात्र 5 या उससे ज़्यादा विषयों में फेल होगा उसे ही अनुत्तीर्ण माना जाएगा और 4 विषयों में फेल होने पर वह भी पूरक पात्र माना जाएगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि इस बार 9-9 जो विषय की परीक्षा हुई है उन बच्चों की, उसमें से अगर 4 से ज़्यादा विषयों में आप फेल होते हैं तो उन्हें फेल माना जाएगा और अगर 4 या 4 से कम विषयों में आपको सप्लीमेंट्री मिलते तो आप पास होकर नए ईयर की प्रिपरेशन करते हैं और उसके एग्ज़ाम भी दे सकने का मौका आपको मिल जाएगा। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कुल 5 विषयों की परीक्षा होती थी, लेकिन उनमें से एक विषय में ही पूरक दी जाती थी, यानी 2 विषय में फेल होने पर छात्र पूरक की पात्रता से बाहर हो जाते थे, उन्हें फेल माना जाता था और वही क्लास दोबारा पढ़नी पड़ती थी। हालांकि अब विषय 5 की बजाय 9 हो चुके हैं, अब 2 गुना के करीब है, इसलिए पूरक पात्रता के विषय भी 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसमें 5 विषय हुआ करते थे, एक में सप्लीमेंट्री दी जाती थी या फेल हो जाता था तो बच्चा नई कक्षा में चला जाता था या हम कह सकते सेकेंड ईयर में चला जाता था और उसे फर्स्ट ईयर की वो जो इसमें फेल हुआ है उसे दोबारा देने का मौका मिल जाता था, परंतु अगर 2 में फेल होता था तो उसे उसी कक्षा में रहकर फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन दोबारा करनी पड़ती। इसी प्रकार अब 9 विषय हो गए हैं तो उसमें से 4 विषयों में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में चढ़ा दिया जाता है, परंतु 4 से ज़्यादा विषयों में फेल हो जाते हैं तो आपको उसी ईयर में रहकर उसकी दोबारा से प्रिपरेशन करनी होगी और दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। थैंक यू।